हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस बायोग्राफी एंड लाइफस्टाइल वीडियो में अपन बात करने वाले साउथ फिल्म इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर मूवी बाहुबली के फेमस हीरो प्रभास के बारे में, जिसमें अपन देखेंगे उनकी एज, गर्लफ्रेंड, वाइफ, फैमिली, इनकम, कार कलेक्शन, हाउस, अवार्ड, नेटवर्थ और साथ ही बात करेंगे उनके जर्नी के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं उनके रियल नेम से। तो उनका रियल नेम है वेंकटा सत्यनारायण प्रभास राजू उपल्लपति, साथ ही उनका निकनेम है डार्लिंग और यंग रेबल स्टार। प्रभास प्रोफेशन से एक्टर, मॉडल और एक प्रोड्यूसर है। प्रभास का जन्म 23 अक्टूबर 1979 को हुआ था। अभी 2022 में वे 43 साल के हो चुके हैं। प्रभास का जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, साथ ही उनका होम टाउन हैदराबाद में है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग DNR स्कूल भीमवरम से कंप्लीट की है, साथ ही उन्होंने अपना कॉलेज श्री चैतन्य कॉलेज हैदराबाद से कंप्लीट किया है। आपको बता दें, प्रभास BTech में ग्रेजुएट भी है। बात कर लेते हैं उनके हॉबीज के बारे में। तो उनको वॉलीबॉल खेलना, साथ ही बुक रीडिंग करना बहुत पसंद है। अब बात कर लेते हैं उनके करियर के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, प्रभास ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सत्यानंद फिल्म इंस्टीट्यूट विशाखापट्टनम में एडमिशन ले लिया और एक्टिंग सीखना चालू कर दिया था। प्रभास ने एज अ मॉडल अपने करियर की शुरुआत की थी। कई कोशिश के बाद प्रभास को 2002 में तेलुगु फिल्म ईश्वर में काम करने का मौका मिला, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चल पाई। 2003 में प्रभास ने रघुवेंद्र मूवी में काम किया, जो अगेन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिसके बाद 2004 में प्रभास की वर्षम मूवी आई, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जिसकी वजह से प्रभास को और भी मूवी के ऑफर आने लगे थे। इसी वजह से प्रभास ने इसी साल अदावी रामगुड़ु में काम किया, जो अगेन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिसके बाद 2005 से 2015 तक प्रभास ने कई मूवी में काम किया, लेकिन एक भी मूवी प्रभास को फिल्म इंडस्ट्री में वह पहचान नहीं दिला पाई जो वह अपने लाइफ में चाहते थे। 2015 में प्रभास के लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया, जब प्रभास को राजा मौली की फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग में काम करने का मौका मिला। यह फिल्म 180 करोड़ रुपए के बजट में बनाई गई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 650 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया था, जिसकी वजह से यह फिल्म 4th highest ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बन गई थी। इस फिल्म ने अपने पहले पार्ट में इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया था कि सारे फैन इस फिल्म के पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार करने लगे थे। 2017 में फाइनली बाहुबली 2 द कंक्लूजन आई, जिसने आते ही बॉक्स ऑफिस में कई रिकॉर्ड तोड़े। साथ ही यह फिल्म पहली ऐसी इंडियन फिल्म थी जिसने 1000 करोड़ से भी ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जिसके बाद से प्रभास की एक्टिंग के दीवाने सारी दुनिया में बनने लगे थे और पूरे इंडिया के लोग प्रभास के फैन बन गए थे। इस फिल्म के बाद प्रभास को उनके बर्थडे पर 5000 से भी ज्यादा मैरिज प्रपोजल आए हुए थे। साथ ही प्रभास पहले ऐसे साउथ एक्टर है जिनका स्टैचू बैंकॉक में बनाया गया है। 2019 में प्रभास ने श्रद्धा कपूर के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया फिल्म साहो के साथ। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, जिसे 300 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। हाल ही में प्रभास की राधेश्याम मूवी रिलीज हुई है। यदि आपने इस फिल्म को देख लिया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह मूवी कैसे लगी। प्रभास को कई अवार्ड्स मिल चुके हैं डिफरेंट कैटेगरी में, जिनकी लिस्ट आपके स्क्रीन पर है। साथ ही प्रभास के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभी तक 8 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। आपको प्रभास कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। अब बात कर लेते हैं उनके फैमिली मेंबर के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, प्रभास के फादर का नाम लेट उपल्लपति सूर्य नारायण राजू है, जो कि प्रोफेशन से एक प्रोड्यूसर थे। साथ ही उनके मदर का नाम शिवा कुमारी है। इसी के साथ ही उनकी एक सिस्टर और एक भाई भी है। अब बात कर लेते हैं उनके गर्लफ्रेंड और वाइफ के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, प्रभास करेंटली सिंगल है, लेकिन रूमर्स की माने तो अनुष्का शेट्टी को उनकी गर्लफ्रेंड बताया जाता है, जो कि प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस है। अब बात कर लेते हैं उनकी इनकम और कार कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें, प्रभास किसी भी मूवी में काम करने के लिए 30 से 35 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, साथ ही किसी भी ब्रांड प्रमोशन के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। उनकी ज़्यादातर इनकम उनके इन्वेस्टमेंट से होती है, साथ ही उनकी नेटवर्थ अप्रॉक्स 312 करोड़ रुपये के करीब बताई जाती है। बात कर लेते हैं उनके कार कलेक्शन के बारे में। तो नंबर वन पे रोल्स रॉयल्स फैंटम, जिसकी कीमत है 8.99 करोड़ रुपीज़। सेकंड नंबर पे जैगवार XJL, जिसकी कीमत है 1.97 करोड़ रुपीज़। थर्ड नंबर पे लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, जिसकी कीमत है 6 करोड़ रुपये। फोर्थ नंबर पे रेंज रोवर स्पोर्ट, जिसकी कीमत है 2.19 करोड़ रुपीज़। फिफ्थ नंबर पे BMW X5, जिसकी कीमत है 90 लाख रुपये। सिक्स नंबर पे टोयोटा इनोवा, जिसकी कीमत है 28 लाख रुपये। साथ ही बात कर लेते हैं उनके बाइक कलेक्शन के बारे में। नंबर वन पे है हायाबुसा, जिसकी कीमत है 15 लाख रुपए। सेकंड नंबर पे है कावासाकी निंजा H2, जिसकी कीमत है 30 लाख रुपए। थर्ड नंबर पे सुजुकी एवेंटाडोर, जिसकी कीमत है 8 लाख रुपए। फोर्थ नंबर पे रॉयल एनफील्ड, जिसकी कीमत है 3 लाख रुपए।
बात कर लेते हैं उनके हाउस के बारे में। दोस्तों आपको बता दें, प्रभास करंटली अपने फैमिली के साथ में जुबली हिल्स हैदराबाद में रहते हैं और उनके इस घर की कीमत अप्रॉक्स 62 करोड़ रुपए के करीब बताई जाती है। आप उनके घर की कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप प्रभास के फैन हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को कर दीजिए लाइक। आपको नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी पर चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।